दोस्तों आज हम आपको वाटर टैंक रिपेयर करना बताएंगे। और दोस्तों जो छत पे वाटर टैंक रखा होता है अगर उसमें लीकेज आ जाए तो आप उसको कैसे रिपेयर करेंगे, तो मात्र उसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, आप आराम से उसको रिपेयर कर सकते हैं, आपको इजीली बताएंगे। दोस्तों एक तो आपको सैंड पेपर रखना है, इसको हिंदी में उसको कहते हैं रेगमाल भी कहते हैं, और एक आप कैंची ले लें सीजर, और दोस्तों एक आता है इजी सील करके, ये आपको मिलेगा 40 रुपीज़ का, 40 रुपये का। और वैसे एक एल्फी भी रख ले, बिना एल्फी के भी अच्छा हो जाएगा लेकिन एल्फी से और थोड़ा सा अच्छा जॉइंट बनेगा। तो दोस्तों आपको ये सामान लेके आपको छत पे जाना है, और छत पे ले जाने के बाद फिर आपको, अब हम आपको छत पे लेके जाएंगे और छत पे ले जाने के बाद फिर आपको वाटर टैंक रिपेयर करना बताएंगे आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वाटर टैंक में एक दरार आ रही है काफ़ी लंबी और उसमें से पानी लीकेज होता रहता है दोस्तों। तो चलो दोस्तों हम छत पे चलते हैं, छत पे चल के वाटर टैंक रिपेयर करेंगे और आपको बताएंगे बहुत इजी तरीके से आप आराम से रिपेयर कर सकते हैं। और दोस्तों मेरे रिपेयरिंग के दो चैनल हैं, एमकेएस रिपेयरिंग क्या नहीं, एमकेएस फैंड सॉल्यूशन, आप दोनों ही सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिस मिलता है। चलो दोस्तों अब छत पे चलते हैं और छत पे चल के आपको वाटर टैंक रिपेयर करना बताते हैं। दोस्तों ये दरार, दोस्तों ये देखो ये टंकी वाटर टैंक है ना, यहाँ से आप देख रहे हैं ये पूरी उंगली घुस रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी क्रैक हुई पड़ी। और दोस्तों ये टंकी यहाँ तक भर जाती है तो इसमें से पानी निकलना चालू हो जाता है, और इसी वजह से यहाँ पानी हो जाता है, काफ़ी पानी निकल जाता है। तो चलो दोस्तों इसको रिपेयर करते और रिपेयर करके आपको बताएंगे कैसे इसको रिपेयर कर सकते। और दोस्तों सबसे पहले आप क्या करें, इसमें एल्फी डालें इसमें, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी एल्फी लगाएं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप इसमें रेगमाल से इसको थोड़ा रगड़ें, जैसे ये चिकना होता है तो दोस्तों इसको थोड़ा सा आपको इसको थोड़ा खुजड़ा बनाना पड़ेगा रेगमाल से इसको रगड़ के। में एल्फी डालेंगे, ये देखिए ये आपको 20-20 रुपीज़ की एल्फी मिल जाएगी बड़ी, और इसमें काफ़ी अच्छी तरीके आप एल्फी लगा दें। एल्फी लगाने के बाद दोस्तों ये थोड़ा सा अंदर से हाथ डाल के आपको उसको पकड़ना पड़ेगा, तो दोस्तों ये जो टूटा हुआ हिस्सा है इसमें काफ़ी हद तक ये थोड़े थोड़े जॉइंट भर गए, इससे चिपक गए, एल्फी से चिपक गए। चिपकने के बाद अब हम इसमें एमसील लगाएंगे, क्योंकि अगर इसमें पूरी दरार भरी रहती तो एमसील थोड़ी अंदर की साइड जाती, अब इसमें थोड़ी सी दोनों पार्ट में थोड़ी पकड़ आ गई है, और इसको जरिए करीब दो से या तीन मिनट आप सूखने दें, इसको सूखने के बाद फिर एमसील लगाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसको जो इजी सील है, ये देखिए इसको आप यहाँ पे इसको कटिंग का निशान दे रखा है ये रिकट, तो आप यहाँ से इसको काट लें, यहाँ से हमने कटिंग कर दिया, कटिंग करने के बाद यहाँ से हम प्रेस करेंगे तो दोस्तों ये यहाँ से निकलने लगेगी, ये देखो ये चीज़ निकली, ये दोस्तों ये देखिए ये सीमेंटेड होता है कुछ, आप इसको जहाँ से आपका छत पर से पानी आ रहा है वहाँ भी लगा सकते हैं, कोई दीवार से पानी आ रहा है वहाँ से भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये बाद में जाके पत्थर हो जाता है, और इसको आप इस तरह लगा दें, क्योंकि हमने पहले इसमें एल्फी लगा दी थी, तो दोस्तों यहाँ से ये करीब 2-3 घंटे लेता है सूखने में, तो यहाँ से ये बिल्कुल जो दरार है बिल्कुल ये कोई पानी नहीं निकलेगा दोस्तों। क्योंकि अगर दोस्तों अगर टंकी बदलते हो आप तो
हज़ारों रुपये का खर्चा आता था, 4-5 हज़ार रुपये की टंकी वगैरह पे प्लम्बर का खर्चा। तो ये भी एक 40 रुपये में आपका 40 रुपये का ईजी सील आ जाएगा, उसके बाद यहाँ से पानी बिल्कुल लीकेज नहीं होगा। तो दोस्तों ये हमने इसमें इसी सील लगा दिया पूरा, और ये देखिए ज़्यादा ज़्यादा 5 मिनट में ये थोड़ा सा पत्थर जैसा हो जाता है, थोड़ा सा 5-10 मिनट, इसको 2 से 3-4 घंटे में पूरा सूख के बिल्कुल ये बिल्कुल पत्थर बन जाएगा दोस्तों। इसमें से कोई पानी लीकेज नहीं होगा, टंकी जुड़ जाएगी। और वो इसमें शुरू में हमने LVC डाल दी क्योंकि 2 पार्टों में बटी हुई थी, तो उससे कुछ बीच बीच के पार्ट उसके चुपक गए, जिससे कोई हाथ का कोई प्रेशर वगैरह भी रखेगा तो कुछ उससे वैसे नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आपके पास ऐसी वाटर टैंक है, उसमें कहीं भी लीकेज हो रही है, कहीं से इधर से लीकेज हो या कहीं से लीकेज हो, लेकिन उतने पार्ट में दोस्तों पानी नहीं आना चाहिए, वहाँ से पानी आप निकाल दें पहले, पानी निकालने के बाद फिर रेगमाल लगाएं, रेगमाल लगाने के बाद फिर ये M-Seal का प्रयोग करें। और दोस्तों अगर और भी पक्का करना है इसके बाद, तो आप इस पर M-Seal भी लगा सकते हैं उसके बाद, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी कोई M-Seal वगैरह की। तो दोस्तों मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल हैं, CamCase रिपेयरिंग यानी CamCase फाइंड सॉल्यूशन, आप दोनों ही सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोट्स मिलता है, इसी से ही आप रिपेयर कर सकते हैं। और दोस्तों ये 40 रुपीज़ का आता है, और अगर आपकी में ऐसे 2 पार्टों में नहीं, अगर हल्की सी दरार है तो उसमें LV लगाने की जरूरत नहीं, अगर लेकिन LV लगाओगे तो बहुत अच्छा है, वेरी गुड। तो दोस्तों मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।